Good morning, students. Today we are going to discuss community mental health nursing. In previous class, we take some part of community mental health nursing. Now we're taking the topic preventive psychiatry. What is preventive psychiatry? Preventive psychiatry means to prevent the psychiatric disorder in the community. Preventive psychiatry model given by the Garland Kaplan in 1960s. 1960 के अंदर Garland Kaplan ने preventive psychiatry का model दिया था. अब इस model के अंदर उन्होंने क्या बताया कि मेंटल इलनेस को, मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे कम्युनिटी के अंदर प्रिवेंट किया जा सकता है. तो सबसे पहले उन्होंने प्रिवेंटिव साइकेट्री को तीन लेवल के अंदर डिवाइड कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल. इन दिस प्राइमरी लेवल द गोल इज रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस. मेंटल इलनेस के चांसेस को रिड्यूस करना. और जो वल्नरेबल ग्रुप है, मतलब जो ग्रुप जिसको स्ट्रेस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, जो मतलब काफी स्ट्रेस वाले काम कर रहे हैं, तो उनको ये साइकेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना जिनको ज्यादा है, उनके लिए प्राइमरी प्रिवेंशन बनाया गया. देन सेकेंडरी प्रिवेंशन का मेन मोटो है टू डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द साइकेट्रिक इलनेस एंड अर्ली डायग्नोसिस. किसी भी चीज का अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो उसका प्रिवेंट करना, उसको क्योर करना बहुत इजी हो जाता है. देन टर्सरी प्रिवेंशन का मेन मोटो है रिहैबिलिटेशन एंड क्योर द मेंटल इलनेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइमरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन मींस स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिविजुअल फैमिली ग्रुप कोपिंग मैकेनिज्म. फैमिली की, ग्रुप की, कम्युनिटी की कोपिंग मैकेनिज्म है, उसको क्या करना, इम्प्रूव करना. जब कोई भी स्ट्रेस आए तो फैमिली, इंडिविजुअल कोई भी है तो उससे कोप कर सके. तो इन जितने भी लेवल है प्रिवेंशन के, उनके अंदर सबसे अहम रोल किसका होगा, रोल ऑफ नर्स. रोल ऑफ नर्स के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरह से अपन साइकेट्रिक इलनेस डिसऑर्डर को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, उनको वापस कैसे मेन स्ट्रीम के अंदर ला सकते हैं. तो इन प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर रोल ऑफ नर्स क्या है, नाउ वी डिस्कस रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी प्रिवेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्राइमरी प्रिवेंशन इंडिविजुअल सेंटर्ड इंटरवेंशन. दैट मींस जो भी इंडिविजुअल है, जो चाइल्ड है और जो मदर है, उनके अंदर साइकेट्रिक जो इलनेस है, डिसऑर्डर है, उनको प्रिवेंट करने के लिए जो स्टेप्स अपन उठाएंगे, जो अपन अपना रोल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीनेटल केयर, देन इरेडिएशन, जो भी रेडिएशन वगैरह का इफेक्ट है उसके बारे में मदर को इन्फॉर्म करना, देन सर्टेन ड्रग्स, जो कुछ ड्रग्स हैं जिनका टॉक्सिक इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर,
उनके बारे में एक्सप्लेन करना मदर को. देन इंजरी टू न्यू बॉर्न, कोई भी अगर इंजरी होती है तो उसके कितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है या कैसे अपन उसको क्योर कर सकते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है, यही सब कुछ उनको एक्सप्लेन करना, पूरा नॉलेज प्रोवाइड करना, जिससे उनके अंदर कोई ऐसे फ्रस्ट्रेशन या डेवलप नहीं हो या स्ट्रेस डेवलप नहीं हो. देन डाइटरी करेक्शन, प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करना. हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, कोई भी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, मदर को देना. देन रिहैबिलिटेशन उनको प्रोवाइड करवाना. फोस्टरिंग बिहेवियर, अगर किसी पेरेंट्स ने किसी बच्चे को गोद लिया है तो उस बच्चे के साथ किस तरह से उनको व्यवहार करना है, किस तरह से उसका मतलब पालन पोषण करना है, तो उसके अंदर कोई ऐसे स्ट्रेस डिप्रेशन या कुछ भी तरह की साइकेट्रिक प्रॉब्लम डेवलप ना हो, वो मेन स्ट्रीम के अंदर रहे. देन सेकेंड पार्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, इंटरवेंशन ओरिएंटेड टू द चाइल्ड इन स्कूल. स्कूल के अंदर क्या क्या इंटरवेंशन अपने को करने हैं जिससे बच्चों के अंदर कोई डिसऑर्डर्स डेवलप नहीं हो. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में टीचर्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, पेरेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि उनको पता लगे कि इस उम्र के अंदर, इस एज के अंदर बच्चों के अंदर ये चेंजेस होते हैं, एडोलसेंट एज के अंदर ये चेंजेस होते हैं, ये हॉर्मोनल चेंज होते हैं, तो वो उनके साथ बात कर सके जिससे उनके अंदर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेवलप ना हो. देन प्रॉब्लम्स स्कॉलरटिक परफॉर्मेंस, जो भी स्कूल के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, से कोई पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, से कोई पढ़ने में अच्छा है, या किसी को राइटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये सब चीजों का पर इनके ऊपर ध्यान दें और बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करें कि मेंटल हेल्थ के प्रति. देन थर्ड पार्ट इज फैमिली सेंटर्ड इंटरवेंशन. इन फैमिली सेंटर्ड इंटरवेंशन वी कंसल्ट विद पेरेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स नॉर्मल बिहेवियर इन स्कूल बिहेवियर, और प्रमोट कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट्स टीचर एंड चिल्ड्रन. अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो कोई भी बैरियर है नहीं होगा बच्चों के, स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के बीच में. Now the fourth point is intervention oriented to keep families intact. In primary prevention, families को intact करना, student, family और teachers के बीच में coordination develop करना और mental awareness generate करना. In first of all, mental education. Mental education provide करना means mental health के बारे में awareness generate करना. Then right relationship between the teacher, student and parents develop करना. Means अगर teacher, student और parents के बीच में communication proper होगा, कोई भी अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू अदर प्रॉब्लम, अदर फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, तो वो टीचर्स के साथ डिस्कस कर सके, और टीचर्स को अगर कुछ फील हो रहा है कि जो बच्चा है उसके अंदर कोई मेंटल एबनॉर्मलिटी है या कोई स्ट्रेस है,
उसके ऊपर अभी हो रहा है या वो डिप्रेस रहता है, तो वो भी पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें कि बच्चे के अंदर ये एबनॉर्मलिटीज कैसे आ रही है, क्या इसके पीछे रीजन है, या तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कंसल्ट कर सकें जिससे कि कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर बच्चों के अंदर डेवलप होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। देन सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट के अंदर जो भी जैसे कि सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, या तो वो रिलीव हो सके। नेक्स्ट, रेंडरिंग होम मेकर सर्विसेज, रेंडरिंग होम मेकर सर्विसेज मीन्स अगर कोई मदर किसी बीमारी के कारण या किसी रीजन के कारण बच्चे से काफी टाइम के इन्फेंट से काफी दिनों के लिए दूर है, तो इनफैक्ट इन्फेंट के अंदर हो सकता है कुछ ना कोई स्ट्रेस डेवलप हो जाए, या फिजिकली कोई एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए, मेंटल एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए, तो उस वक्त जो नर्स का, साइकेट्रिक नर्स का जो रोल है वो मदर की जगह बच्चे को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे और जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है उनको सॉल्व करे। नाउ द सिक्स पॉइंट इज इंटरवेंशन ऑफ फैमिलीज इन क्राइसिस। इंटरवेंशन ऑफ फैमिलीज इन क्राइसिस मींस अगर कोई भी जैसे क्राइसिस की सिचुएशन है, जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, या किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, कोई भी किसी फीमेल्स का मेनोपॉज है, या कुछ भी ऐसी कोई स्ट्रेस वाली बात है जिसके कारण क्राइसिस डेवलप हो रहा है, तो उनके लिए कोपिंग मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म उनके लिए उनको एक्सप्लेन करना, ताकि वो वहाँ पर कोपिंग मैकेनिज्म लगा के उस स्ट्रेस के अंदर नहीं जाके, उस स्ट्रेस से बाहर आके अपने आप को साइकेट्रिक इलनेस से बचा सके। देन मेंटल हेल्थ एजुकेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल हेल्थ एजुकेशन। सिंपली जो भी फैमिली है, सोशल ग्रुप है, कम्युनिटी है, इंडिविजुअल है, उनको मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना जिससे उनके अंदर अवेयरनेस डेवलप हो कि ये डिप्रेशन होता है, ये मेनिया होता है, ये स्ट्रेस होता है, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है सोसाइटी सेंटर्ड प्रिवेंटिव मेजर्स। सोसाइटी सेंटर्ड प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर तो सोसाइटी के अंदर जो से कोई भी अल्कोहलिज्म है, ड्रग एडिक्शन है, या कुछ भी कोई जैसे कोई गलत काम कर रहा है, चोरी है, कुछ भी, तो इन सब चीज़ों का भी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में उनको क्या करना, अवेयर करना। देन अब प्राइमरी प्रिवेंशन के बाद में अपन बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट। जब किसी भी चीज़ का डायग्नोसिस अर्ली होगा तो उसके प्रोग्नोसिस की, उसके क्योर होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अर्ली डायग्नोसिस किस तरीके से होगा? जब अपन कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जाके मेंटल अवेयरनेस जनरेट करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, तब जाके उनके अंदर क्या होगा, कोई भी केस है जैसे अपने सामने आएगा जिसको मेंटल इलनेस के, लाइक अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली रेफरेंस और स्क्रीनिंग प्रोग्राम। इन अर्ली रेफरेंस, अगर कोई मेंटली इल पर्सन है और उस सोसाइटी के अंदर कोई पर्सन रहता है जिसको मेंटल अवेयरनेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो उसको एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल, सेंटर या साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करेगा, ताकि उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो सके, क्योर हो सके और रिहैबिलिटेट हो सके और वापस अपने काम पे, मेन स्ट्रीम में वापस आ सके। नाउ टर्शियरी प्रिवेंशन।
in tertiary prevention reduce discomfort disability of the mentally ill person. टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, अगर कोई मेंटली पर्सन है, उसको मेंटल डिसऑर्डर है, उसको रिहैबिलिटेट करना और उसके जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको दूर करना, उसकी डिसेबिलिटीज को दूर करना बाय द डिफरेंट थेरेपीज. इस टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर रोल ऑफ नर्स क्या है, अपना क्या रोल है. फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्वमेंट, फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर फैमिली इन्वॉल्व होगी कोई भी पेशेंट के साथ, उसकी फैमिली इन्वॉल्व होगी तो उससे उसका बाहर आना बहुत क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा बाय द फैमिली सपोर्ट. देन ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशनल मतलब डिसऑर्डर होने के बाद में उसको कोई ना कोई थेरेपी के थ्रू उसको किसी ऑक्यूपेशन के अंदर डालना, कोई छोटा मोटा काम सिखाना जिससे वो अपना नॉर्मल काम चला सके. देन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, उसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड करना या अलग माहौल प्रोवाइड करना जिससे उसका माइंड सेट चेंज हो सके. देन कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना. देन स्टिग्मा अटैच्ड टू द मेंटल इलनेस, स्टिग्मा अटैच्ड टू द मेंटल इलनेस, इसका मतलब अगर कोई बाय द वे मेंटली इल हो गया तो सोसाइटी का क्या है. स्टिग्मा मीन्स किसी के ऊपर ऐसे कलंक लगा देना, कोई लांछन ऐसे लगा देना कि वो मेंटली इल है, पागल है, ये वो है ना. तो ये सारे जो स्टिग्मा है उसको सोसाइटी से, उस पर्सन से दूर ले जाना और उसको एक फ्री एनवायरनमेंट देना जिससे कि वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके, रिहैबिलिटेट हो सके. अब ये तीनों लेवल होते हैं प्रिवेंशन के, इसको वापस हम थोड़ा सा समराइज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 1960s के अंदर कार्ल गार्लैंड केपलर ने ये तीन लेवल दिए. फर्स्ट लेवल के अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, देन सेकेंडरी, फिर टर्सरी प्रिवेंशन. मेनली इन प्रिवेंशन मॉडल के अंदर क्या था, फर्स्ट प्रिवेंशन के अंदर क्या था कि कोई जो भी वल्नरेबल ग्रुप है जिसको डिजीज होने के ज़्यादा चांसेज है उनको अवेयर करना ताकि उनके अंदर सेकेंडरी इलनेस ना हो. सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या था, अर्ली डायग्नोसिस करना और जिससे क्या हो, अर्ली स्क्रीनिंग करना जिससे मेंटल डिसऑर्डर है वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ सके और उनका ट्रीटमेंट हो सके. और टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब था रिहैबिलिटेशन और ड्यूरेशन मेंटल इलनेस की उसको क्या करना, कम करना. थैंक यू.